हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक में एमएसईडी ब्रेकआउट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक खूबसूरत सा एमएसईडी ब्रेकआउट क्रिएट हुआ है। ये सिग्नल लाइन को क्रॉस किया है नीचे से एंड आफ्टर ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद ये ब्रेकआउट आया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि आरएसआई भी आरएसआई लेवल जस्ट 40 के ऊपर क्रॉस हुआ है, 40 क्रॉस हुआ है। ये 40 के पीछे ट्रेड कर रहा था आरएसआई लेवल। यहाँ पे दो सिग्नल हमें मिल रहे हैं, एक है आरएसआई लेवल जो नीचे ऑलमोस्ट 27 से अभी 40 के ऊपर आया है, और यहाँ पे एक एमएससीडी क्लियर ब्रेकआउट हुआ हुआ है। कुछ दिन पहले ये स्टॉक ने 1725 पे एक सपोर्ट लिया था जब मार्केट बहुत टूटा था यहाँ पे। ये एक अच्छा सपोर्ट जोन हमारे लिए क्रिएट हुआ है। अभी स्टॉक 1796 पे ट्रेड कर रहा है। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आएगा वो 1827 पे आएगा, उसके बाद डायरेक्टली 1941 पे एक ब्रेकआउट आएगा। ये एक छोटा ट्रेड आप ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे दो इंडिकेटर हमें मिले हैं, एक है एमएसईडी ब्रेकआउट, दूसरा है आरएसआई लेवल। एक अच्छा सपोर्ट जोन हमें मिला है यहाँ पे एंड दो गुड लेवल। अगर ये लेवल आप देखोगे तो यहाँ से मैंने क्रिएट किया है ये लेवल है, ये प्लस यहाँ पे एक और एक लेवल क्रिएट हुआ है। ये लेवल एक अच्छा लेवल है जहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।